दोस्तों आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड आप खुद बनाने के लिए एक ऑपरेटर आईडी ले सकते हो और ऑपरेटर आईडी लेना बिल्कुल आसान है सिर्फ आधार नंबर से आप एक ऑपरेटर आईडी ले सकते हो और जब आप ऑपरेटर आईडी लेंगे उसके बाद आप खुद अपना आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बना सकते हो और सिर्फ इतना ही नहीं आप लोगों की आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो और दोस्तों देखिए आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाने की जो ऑपरेटर आई होता है ये ऑपरेटर आई लेने के लिए आपके पास सिर्फ दो डॉक्यूमेंट होना चाहिए नंबर वन आपके पास आधार नंबर होना चाहिए और जो आधार नंबर है उसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए ये दो चीज अगर आपके पास मौजूद है तो आप आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाने के लिए ऑपरेटर आईडी बिल्कुल फ्री में ले सकते हो आइए देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको भी एक ब्राउजर ओपन करना है जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है सर्च बार में टाइप करना है बेनिफिशियरी आपको टाइप करना है बेनिफिशियर डॉट ए डॉट डॉट इन इतना ही टाइप करके सर्च करना है जैसे आप सर्च करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह आपके सामने ओपन होगा इसके बाद एक पेज आप देख सकते हो इस पेज पे दो ऑप्शंस दिखाई दे रहा होगा एक तो है बेनिफिशरी और दूसरा जो है ऑपरेटर तो आपको सिर्फ ऑपरेटर चूज करना है ऑपरेटर चूज करने के बाद नीचे एक ऑप्शन देखिए एक छोटा सा ऑप्शन आप देख सकते हो जैसे कि साइन अप तो साइन अप ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा यहाँ आप देख लीजिए यूजर मैनेजमेंट पोर्टल और नीचे देखिए दो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट जो ऑप्शन है आधार नंबर फिल करना है और सेकंड जो ऑप्शन है ई के ई सी मोड आपको चूज करना है जब तक आप आधार नंबर फिल नहीं करेंगे तब तक ई मोड आप केलेक्ट नहीं कर सकते हो तो सबसे पहले आधार नंबर फिल करना है इसके बाद ई e के मोड चूज करना है आइए सबसे पहले मैं आधार नंबर जो है फिल करता हूँ आधार नंबर फिल करने के बाद राइट साइड कॉलम पर देखिए वेलिडेट एक ऑप्शन है वेलीडेट पर आपको करना है जैसे आप वेलीडेट पर क्लिक करेंगे इसके बाद एक बार लोडिंग लेगा लोडिंग लेने के बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो नीचे ई के मोड जो है सिलेक्ट ऑप्शन हाईलाइट हुआ है तो सिंपली आपको क्या करना है सिलेक्ट पर क्लिक करना है इसके बाद ई के करने के लिए दो ऑप्शन आपको दिया जाएगा सबसे पहले तो आधार ओ और सेकेंड जो है आधार फिंगरप्रिंट तो देखिए अगर आपके पास ओ डिवाइस है तो आप आधार फिंगरप्रिंट चूज कर सकते हो अदरवाइज अदर ओ चूज कीजिए जैसे आप अदर ओ चूज करेंगे इसके बाद यहाँ देखिए कॉन्सेंट उसके बाद यहाँ एक छोटा सा बॉक्स है इस बॉक्स पर टिक मार्क करना है नीचे अलाउ ऑप्शंस पर क्लिक करना है चलिए मैं इस बॉक्स पर टिक मार्क करता हूँ इसके बाद अलाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है इसके बाद देखिए ये लोडिंग ले रहा है उसके बाद आप देख सकते हो कि आधार कार्ड की तरफ से आपको एक ओ सेंड किया जाएगा ओ मेरा मेरे पास आ चुका है तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ओ जो है यही से सिलेक्ट कर कॉपी करता हूँ कॉपी करने की तो के बाद नीचे देखिए आधार ओ तो आधार ओ टी की जगह ये ओ जो है फिल करना है फिल करने के बाद देखिए ये लोडिंग ले रहा है आप देख सकते हो उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है वेट करना है जब तक तो ये लोडिंग लेगा तब तो तक तो तो आपको वेट करना है उसके बाद देखिए आधार कार्ड में जितना मतलब बायोडाटा होता है सारी डाटा यहाँ शो करेगा इसके बाद ये जो फॉर्म है आप देख सकते हो इस फॉर्म में देखिए बाकी चीज़ तो आधार कार्ड से डिटेक्ट कर लिया है उसके बाद एक छोटा सा ऑप्शन आप देखिए नीचे जैसे कि कारंट एड्रेस इज सेम एज ए आधार एड्रेस अगर कारंट एड्रेस एंड जो आ, मतलब आधार कार्ड में जो एड्रेस है और जो कारंट एड्रेस है अगर सेम है तो इस बॉक्स पर टिक मार्क करना है जैसे कि यहाँ एक छोटा सा बॉक्स आप देख सकते हो इस बॉक्स पर टिक मार्क कर देना है तो भी क्या होगा कि जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो कारंट एड्रेस में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा इसके बाद नीचे दिखे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहा होगा जैसे कि यहाँ एक ईमेल आईडी फिल करना है एक मोबाइल नंबर फिल करना है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो ईमेल आईडी जो है फ़िल करते हैं ईमेल आईडी फिल करने के लिए यहाँ ईमेल आईडी एक फ़िल कर देना है एक वैलिड ईमेल आईडी। तो मैं यहाँ फ़िल करता हूँ एक वैलिड ईमेल आईडी। इसके बाद वैलिड ईमेल आईडी फिल करने के बाद राइट साइड देखिए वेरीफाई ऑप्शन है वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ आप देख सकते हो कि टिक मार्क आ चुका है इसके बाद नीचे आना है नीचे आने के बाद दोस्तों आपके पास जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है तो मोबाइल नंबर फिल करने के बाद लास्ट देखिए वेरीफाई जो है वेरीफाई हाईलाइट होगा वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है चलिए दोस्तों मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं फिल कर लेता हूँ मोबाइल नंबर मैंने फिल कर दिया है इसके बाद सिर्फ क्या करना है वेरीफाई पर क्लिक करना है जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे उसके बाद उस मोबाइल नंबर पर एक ओ सेंड किया जाएगा आधार कार्ड की तरफ से तो आपको वेट करना है जैसे कि देखिए ओ जो है आ चुका है मैंने कॉपी किया है इसके बाद नीचे अगर आप देखोगी तो देखिए मोबाइल ओ तो इस बॉक्स पर जो ओ आपने रिसीव किया है ओ फिल कर देना है ओ फिल करने के बाद नीचे आप देख सकते हो कि दूसरा एक इंटरफेस जो है सामने आ चुका है एड रूल डिटेल्स तो यहाँ आपको गौर से फिलअप करना है अदरवाइज़ आपको ऑपरेटर आई डी नहीं दिया जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हो कि दो कलम पे आपको फिल करना है सबसे पहले तो पेरेंट जो है एंटिटी जो है इस बॉक्स पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद काफ़ी सारी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो यहाँ आपको फ़िल करना है देखिए सारे स्टेट का नाम यहाँ देखने को मिलेगा जैसे कि मेरा जो एस एस ए आसम में ये जो फ़िल किया है फिल करने के बाद राइट साइड आना है तो एंटिटी जो देखिए टाइप जो है सिलेक्ट पर क्लिक करना है इसके बाद देखिए काफ़ी सारी ऑप्शन देखने को मिलेगा लेकिन आपको कौन सा चूज़ करना है कार्ड क्रिएशन एजेंसी जो है ये आपको चूज करना है चूज करने के बाद लेफ्ट साइड आना है तो देखिए जो एंटिटी नेम जो है इस बॉक्स पर क्लिक करना है जैसे आप बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप किस कंपनी के थ्रू आप काम करना चाहते हो कार्ड बनाना चाहते हो देखिए दोस्तों यहाँ एन एम जो नर्सिंग में होता है आशा ए डब्ल्यू डब्ल्यू इसके बाद देखिए कालर प्लास्ट सी एस सी ग्राम सेवक और पी आर आई एस तो इनमें से दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सी एस सी चूज़ कीजिए या ग्राम सेवक चूज कीजिए चलिए दोस्तों मैं यहाँ ग्राम सेवक जो है चूज़ करता हूँ चूज़ करने के बाद राइट साइड जाना है तो यूज़र रोल जो है इस बॉक्स पर क्लिक करना है यहाँ देखिए एडमिन एंड एजेंसी ऑपरेटर तो आपको क्या करना है कि ऑपरेटर एजेंस एजेंसी ऑपरेटर जो है चूज़ करना है चूज़ करने के बाद और लेफ्ट साइड आना है तो एप्लीकेशन यहाँ देखिए बी आई एस ये आपको चूज करना है चूज़ करने के बाद देखिए एडमिन कोड तो यहाँ एडमिन कोड बताया जा रहा है तो एडमिन कोड क्या होता है देखिए दोस्तों यहाँ जो एजेंसी ऑपरेटर है अगर आप ये चेंज करते हो जैसे कि ऑपरेटर बी आई एस चूज़ करते हो तो देखिए एडमिन कोड बताया जा रहा है तो एडमिन कोड क्या है यहाँ बी आई एस आपको चूज करना है एडमिन कोड दोस्तों वो होता है कि ये एक मतलब नाइन डिजिट का एडमिन कोड होता है अगर आप मतलब ये फिलअप करना चाहते हो आप ऑपरेटर आईडी लेना चाहते हो तो एडमिन कोड जो है ये भी आपको मिल जाएगा जैसे कि दोस्तों देखिए एडमिन कोड तो मेरा है और आपका कैसे मिलेगा आगे आपको पता चलेगा तो सबसे पहले तो मैं एडमिन कोड जो है यहाँ फिल कर लेता हूँ जैसे कि मैं यहाँ फ़िल करता हूँ तो मैंने एडमिन कोड जो है फ़िल कर दिया है फिल करने के बाद एड ऑप्शन जो है एड ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसे आप एड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये सारी चीज़ यहाँ ऐड हो चुका है इसके बाद दोस्तों और एक पेज आपके सामने ओपन होगा ये लास्ट पेज है जैसे कि दोस्तों देखिए एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना है जब भी आप ऑपरेटर आई डी के थ्रू लॉगिन करोगे तो आप मतलब आई डी के थ्रू लॉगिन हो सकते हो या यूज़र नेम एंड पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हो तो इसके लिए दोस्तों एक यूज़र नेम जै जैसे कि आपको फिल करना है आपके नाम यहाँ फ़िल कर देना है कुछ नंबर वगैरह आप डाल सकते हो इसके बाद जो पासवर्ड है पासवर्ड आपको फ़िल करना है जैसे कि मैं पासवर्ड जो है फ़िल करता हूँ और इसके बाद देखिए मैं पासवर्ड जो है फ़िल कर लेता हूं इसके बाद देखिए राइट साइड से देखिए सेम पासवर्ड आपको कॉन्फर्म पासवर्ड यहां फ़िल करना है तो मैं यहां कॉन्फर्म पासवर्ड जो है फ़िल करता हूं और इसके बाद आप देखिए मैंने फील कर दिया है फिल करने के बाद दोस्तों नीचे आप देख सकते हो कि फाइनली जो सबमिट ऑप्शन है सबमिट ऑप्शन जो है यहाँ दिखाई दे रहा है ये आप देख सकते हो ये सबमिट है जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक करेंगे सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये गवर्नमेंट के अंडर जो है सेंड होगा उसके बाद दोस्तों जब स्टेट गवर्नमेंट ये वेरीफाई करेगा उसके बाद आपकी ई मेल के थ्रू एक मैसेज भेजा जाएगा और साथ में जो आई पासवर्ड है ये आपको प्राप्त होगा और उसके बाद तो आप ये काम कर सकते हो खुद की आयुष्मान भारत हेलकर आप बना सकते हो आप लोगों की आयुष्मान कार्ड बनाकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो तो दोस्तों देखिए मेरा तो ऑलरेडी है इसलिए मैंने सबमिट नहीं किया है क्योंकि जब भी मैं सबमिट करूंगा तो मेरा यह सबमिट दोबारा नहीं होगा तो आप मतलब सबमिट कीजिए उसके बाद कोई काम नहीं है सारी चीज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया है तो दोस्तों आई होप यह वीडियो काफी पसंद होगा वीडियो पसंद है तो लाइक करना है चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है दोस्तों वीडियो आज के लिए इतना ही